सबको वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ चिकन विंग्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, जो बच्चों में और बड़ों में यकसा फेमस है। ये एकदम परफेक्ट स्नैक्स है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो तब आप इसे बनाइए। बहुत ही यूनिक लगती है देखने में और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए शुरू करते हैं, हम बनाते हैं आज चिकन लॉलीपॉप्स अपने किचन में। चिकन लॉलीपॉप के लिए मैंने विंग्स को इस तरह से लॉलीपॉप की शेप में रेडी कर लिया है। एक विंग मैंने छोड़ दिया था ताकि आपको बता सकूं कि इसको किस तरह से हमने शेप देना है। ये इस तरह से विंग होती है, इस तरह से ये अटैच्ड होता है इसके साथ। इस तरह से आप जब चिकन लें तो इसको अलग अलग करवा लें। फिर इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम शेप कैसे देंगे। एक ये बड़ा पार्ट होता है और एक ये थोड़ा छोटा होता है, दोनों को हम शेप देंगे। थोड़ी शार्प सी आप नाइफ ले लें, इस तरह से हम इसका ये जो गोश्त है इसकी बोन पर इसको हम अलग कर लेंगे। इस तरह से हम मीट को बोन से अलग करेंगे। थंब की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसको यूँ दबा देंगे, दबाते रहेंगे इसको इस तरह से। इसको हम इस तरह से ये उल्टा कर देंगे। ये जो है हम इसको इस तरह से हटा देंगे। ये देखें, ये हमारी चिकन लॉलीपॉप की शेप आ गई। ठीक है, अब इसको कट करने का तरीका ये है कि हम इसमें जो बीच में, पहले हम नाइफ से इस तरह से जो ये मीट है इसको हम काटेंगे। मीट को हम बोन से अलग करेंगे। फिर इन दोनों को हम आपस में, ये जुड़ी हुई होती है, इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे। अच्छा, अब ये वाली जो बोन है इसको हमने अलग करना होता है। आप देखेंगे कि एक थोड़ी सी मोटी होती है इस पार्ट में और एक थोड़ी सी थिन सी बोन होती है। तो जो थिन वाली बोन है उसे हमने अलग करना होता है। इस तरह से हम इसका भी सारा जो मीट है इसको नाइफ की मदद से नीचे कर लेंगे। हल्का सा हम इसमें कट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये फौरन अलग हो जाएगी। ये जो ब्लड है आप बस इसको जब हम कर लेंगे रेडी लॉलीपॉप्स को, तो इसको फिर हम एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखिए ये अलग हो गई है। ये देखें, ये जो बोन है इसको हमने अलग करना है। ये देखें, ये अलग हो गई। अब इसको हम इसी तरह, इसके मीट को हम इस तरह नीचे नीचे करेंगे। अब यहाँ से हम इसको भी क्लीन करेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको भी हम यहाँ से काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों को लॉलीपॉप का शेप दे दिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। विंग्स की मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर गार्लिक पाउडर लिया है हाफ टी स्पून और अदरक का पाउडर लिया है मैंने, जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून, दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आपके पास ड्राई पाउडर नहीं है तो फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 टीस्पून अनियन पाउडर है मेरे पास, 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर सोया सॉस है, 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है। अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो कम कर लीजिएगा। नमक है मेरे पास यहाँ पर हसबे जायका, 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर हॉट सॉस है, चिली सॉस। अब हम इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे और फिर आधे घंटे के लिए विंग्स को मैरिनेशन के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड, सारा मसाला लगाने के बाद मैं इस तरह से सब विंग्स को इस तरह से खोल के अंदर भी मसाला लगा रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से इसमें मसाले की कोटिंग हो जाए। और जब आधे घंटे बाद हम इसको फ्राई करें तो ये अंदर से भी बहुत ही मतलब मसालेदार सी हो और अंदर से ड्राई ना हो। ये देखें, ऐसे ऐसे खोल के हमने लगाना है और फिर इसको हमने दोबारा से ऐसे शेप दे देना है ताकि अंदर भी हमारा मसाला लग जाए। ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म रखा है, थोड़ा ज़्यादा ऑयल हम लेंगे ताकि अच्छे से हमारी चिकन जो है वो इसमें डीप हो सके। और जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और इसके बाद वन बाय वन विंग्स इसमें डालते जाएंगे। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 1/2 कप, 2 अंडों को मैंने यहाँ पर बीट कर लिया है और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। अब मैं चिकन पर इसकी कोटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं मैदे में डालूँगी विंग्स को। देखें, इस तरह अच्छे से मैं इस पर कोटिंग करूँगी मैदे की। एक्स्ट्रा जो है वो उसको हम झटक लेंगे मैदे को। इसके बाद मैं इसको एग में डालूँगी। एग की भी इस तरह से हम कोटिंग करेंगे इस पर। इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डालूँगी। इस तरह से मैं इस पर ब्रेड क्रम्स लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी लॉलीपॉप्स के अंडे और मैदे की कोटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारी विंग्स को मैंने कोट करके यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे 1 by 1 ऑयल में फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं आंच को थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ वरना फिर ये होगा कि हमारी विंग्स जलने लग जाएगी। अब एक एक करके हम इसको डालेंगे इसमें। एक साथ हम बहुत सारी नहीं डालेंगे। 2 मिनट हम इसी तरह इसको पकने देंगे, फिर इसके बाद हम इसे पलट देंगे। टोटल 8 मिनट में ये पक जाएगी, 8 से 10 मिनट में, क्योंकि विंग्स का जो मीट होता है वो वैसे ही बहुत सॉफ्ट होता है और हमने जो इसे मैरिनेशन के लिए टाइम दिया है तो इस वजह से भी ये जल्दी कुक हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, 7 से 8 मिनट हो गई है, बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस अब 1-2 मिनट में मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा कुक करेंगे तो फिर ये जलने लग जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार सी हमारी चिकन लॉलीपॉप बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी प्यारी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा यमी है। आपके बच्चों को, घर वालों को, सबको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।